आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग को, जिसका बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं इसको एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड वन के स्टार्टिंग में हमें 3 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ एक आइलैंड पर हंटर्स लोग लड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर सिपाही सब दूर से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी अपने कैप्टन से कहता है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बदले में कैप्टन कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे इन वेपन से उन्हें कुछ नहीं होगा, तो भलाई इसी में है कि ये सब उन हंटर्स पर छोड़ दो। फिर हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिपाही लोग विशाल चींटियों से लड़ रहे होते हैं। असल में वे सब मॉन्स्टर होते हैं। लड़ते लड़ते सभी सिपाही उनके शिकार बन जाते हैं। तब ये आदमी कहता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? फिर वहाँ पर एक बंदा आता है, जो कि इस मॉन्स्टर को मारकर दूर गिरा देता है और उस घायल आदमी को हील करने लगता है। देखते ही देखते उसका सारा घाव तुरंत ही भर जाता है। फिर अचानक सभी चींटियाँ उस बंदे के पीछे से हमला करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा आता है और वह उन्हें बिजली का झटका देता है और बाकी सब काम इस बंदे पर छोड़ देता है। यह व्यक्ति आते ही सभी चींटियों को अपने हाथों से मारने लगता है। तब हमें पता चलता है कि ये तीनों एस रैंक के हंटर्स हैं। उनमें से 2 फाइटर्स हैं और एक हीलर है। वह हीलर कहता है, मैं और लोगों को बचाना चाहता हूँ और मुझे तुम लोगों पर विश्वास है कि तुम मेरी रक्षा करोगे। इसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा व्हाइट चींटी आता है। उसे देखकर ये बंदा कहता है, ये उनका बॉस जैसा नहीं लग रहा है। फिर ये कहता है, शायद ये उनका लीडर होगा। इसके बाद ये दोनों मिलकर उस जैंट चींटी से लड़ते हैं और एक बंदा उस पर बिजली गिराता है और दूसरा उसके दांत कबाड़ देता है। वहीं दूसरी ओर से और भी चींटियाँ आने लगते हैं। तब ये लोग कहते हैं, शायद ये भी उनका बॉस नहीं था। इसके बाद ये बंदा अपनी ताकत बढ़ाता है और कहता है, अब और भी मज़ा आएगा। वहीं दूसरी ओर से हर तरफ ये मॉन्स्टर्स बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर भी एक हंटर होता है जिसका नाम चोई होता है। वह उन चींटियों को जलाकर राख कर देता है, लेकिन जो बड़े चींटी होते हैं वे बच जाते हैं। तब चोई अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है उन पर अटैक करने का। सीन चेंज होता है, हमें बताया जाता है कि 10 साल से भी अधिक साल हो गए हैं और अचानक एक पोर्टल खुलता है जिसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आए। उन मॉन्स्टर्स को हथियार से नहीं हराया जा सकता, उन्हें केवल वही लोग हरा सकते हैं जिसके पास स्पेशल पावर्स हो। लोग उन्हें हंटर्स के नाम से जानते हैं। हंटर्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक और ई रैंक हंटर्स। इनमें से एस रैंक के हंटर सबसे पावरफुल होते हैं और ई रैंक के सबसे वीक होते हैं। चाहे वे लोग कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उनका पावर नहीं बढ़ता है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, इसका नाम किम होता है और इसका पार्क। किम पार्क से पूछता है, मुझे लगा था तुम हंटिंग छोड़ दिए हो। पार्क बताता है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी इसलिए वह नहीं आ पाया। और वे लोग बात करने लगते हैं, अगर उन्होंने अच्छी हंटिंग की तो उन्हें अच्छा पैसा मिलेंगे। लेकिन पार्क को अपने पर भरोसा नहीं होता है कि क्या वह उसके साथ हमेशा के लिए काम कर पाएगा। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर संघ आता है। असल में यह बंदा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। जैसे ही संघ वहाँ आता है, सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं। यह देखते हुए पार्क किम से कहता है, यह बंदा कौन है? क्या यह बहुत ताकतवर है? सभी लोग उसे विश कर रहे हैं। किम बताता है, यह बंदा यहाँ पर सबसे वीक है, सभी को इसे चढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और बताता है, पार्क के जाने के बाद संघ ने यहाँ पर ज्वाइनिंग किया था। संघ एक ऐसा बंदा है जो कि ई रैंक डंजन में भी घायल हो जाता है। ई रैंक डंजन मतलब सबसे कमज़ोर मॉन्स्टर जहाँ पाए जाते हैं, और डंजन भी कई प्रकार के होते हैं जैसे हंटर्स होते हैं। किम कहता है, अगर संघ यहाँ पर है मतलब हमें आसान मिशन मिलने वाला है। और कहता है, धीरे बोलो नहीं तो वह सुन लेगा। संघ मन में कहता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि किम ने सच ही कहा है। और इस बात से संघ को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है, उसका नाम जूही होता है। वह संघ से कहती है, तुम हर बार घायल होकर क्यों आते हो? संघ कहता है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है। जूही कहती है, मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे। संघ बताता है, वह केवल ऐसा व्यक्ति है जो कि ई रैंक डंजन में भी घायल हुआ था। जूही पूछती है, क्या तुम्हारे टीम में कोई हीलर नहीं था? संघ बताता है, वहाँ पर सभी लोग हायर रैंक वाले हंटर्स थे तो उन्हें हीलर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जूही गुस्से में कहती है, उन्हें बाकी लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तब संघ कहता है, उनकी कोई गलती नहीं है, मैं इतना कमज़ोर हूँ। फिर वे लोग एक डंजन में जाने वाले होते हैं और ये व्यक्ति बताता है, ये इस रैपिड मिशन का कैप्टन है और इसका नाम सॉन्ग है। सभी लोग उस पोर्टल में घुसते हैं। तब किम संघ से कहता है, तुम हमारे साथ ही रहना नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगा। फिर हमें बताया जाता है कि संघ के पास एक छोटा सा चाकू है जिसमें मैजिकल पावर्स है और उसके पास इतना ही पैसा था कि वह केवल इसे ही खरीद सके। संघ अपने आप से कहता है, कुछ ना होने से यह अच्छा है और वह अपनी पूरी कोशिश करेगा इस बार। यह कहकर वह उस पोर्टल में घुस जाता है। उधर हमें इन 2 व्यक्तियों को दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि सरकार चाहती है कि वे लोग डंजन से दूर रहें, साथ ही वहाँ से मिलने वाले जेम्स को सप्लाई करते रहें। फिर हमें बताया जाता है कि यह क्रिस्टल जादुई मॉन्स्टर को मारने से मिलता है जिससे कि वे लोग पैसा कमा सकते हैं।
इसके बाद हमें शंख को दिखाया जाता है। उसे एक छोटा सा जेम मिलता है और यह उसका पहला क्रिस्टल है। तभी उधर से एक दूसरा मॉन्स्टर आता है और शंख पर हमला करता है। बदले में शंख भी उस पर हमला करता है, लेकिन उसका वेपन टूट जाता है। फिर पार्क आकर उसे बचाता है और कहता है, जूही तुम इसे हील करो, मैं और मॉन्स्टर को मारने जा रहा हूँ। जूही उसे हील करने लगती है। उस दौरान शंख देख रहा होता है कि सभी हंटर्स मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि हायर रैंक वाले मॉन्स्टर को मारने से वह क्रिस्टल मिलता है और क्रिस्टल से पावरफुल वेपन बनाया जा सकता है ताकि ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। वैसे भी वह क्रिस्टल अपने आप में ही वेपन है और सरकार उसे पाना इसलिए चाह रही है ताकि बिजली जनरेट कर सके और पॉल्यूशन भी ना हो। उधर सभी को मिलकर उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं। वे लोग आपस में बात करते हैं, यहाँ पर बहुत कम क्रिस्टल है, इनके ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। वहीं संग अपने जेम को देखकर सोचता है, मुझे इतने से क्रिस्टल के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। फिर इस व्यक्ति को एक गुफा मिलता है। उन्हें लगता है कि यह डबल डंजन है। वैसे भी उन्होंने उस बॉस को हरा दिया, फिर भी डंजन बंद नहीं हुआ। फिर संग डिसाइड करता है कि वे लोग इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बताएंगे, तभी वो कुछ करेंगे। पार्क कहता है, हमें छोटे मोटे चीज़ों को खुद से ही सॉल्व करना चाहिए। किम कहता है, पार्क की वाइफ प्रेग्नेंट है और यहाँ पर और भी क्रिस्टल मिल सकते हैं, तो हमें उधर जाना चाहिए। सॉन्ग सोचता है और बताता है, मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन वहाँ पर खतरा भी हो सकता है। तो वह वोटिंग करता है, दोनों तरफ बराबर वोट होता है, तो केवल संघ ही वोटिंग के लिए बचता है। संघ मन में कहता है, उसके लिए डी रैंक डंजन खतरनाक है, लेकिन उसके पिता भी मिसिंग है और कमाने वाला केवल वही है अपने घर में। साथ ही उसकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका बिल उसे चुकाना है और अपनी बहन को कॉलेज भेजना है, तो उसे पैसों की ज़रूरत है। संघ उस डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन चेंज होता है, यहाँ पर हंटर्स का सिलेक्शन होता है। यह एजेंट फ़ोन पर बताता है, एक बी रैंक हंटर और दो सी रैंक हंटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वह यह सब चोई को बता रहा होता है। वहीं बाहर में दो लोग एक महिला का पर्स लेकर भाग रहे होते हैं और उसके पीछे लेडी आ जाती है। फिर ये इतनी तेज़ी से जंप लगाकर उन्हें पकड़ती है कि ये दोनों चोर नीचे गिर जाते हैं। यह देखते हुए सभी लोग उस लेडी को घेर लेते हैं और कहते हैं, यह एस रैंक हंटर है, क्या तुम हमसे हाथ मिलाओगी। यह देखते हुए वह वहाँ से गायब हो जाती है। डंजन का सीन दिखाया जाता है। वे लोग उस गुफा में 40 मिनट से बढ़ रहे होते हैं और बताया जाता है कि डंजन के बॉस को मारने के बाद उनके पास केवल 1 घंटा का समय बचता है, क्योंकि 1 घंटे बाद वह डंजन अपने आप बंद हो जाता है, तो उनके पास अब केवल 20 मिनट बचा हुआ है। इसी दौरान संघ जूही से माफ़ी मांग रहा होता है। जूही कहती है, तुम उसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो। संघ बताता है, क्योंकि उसी के वोट के कारण वे लोग अंदर जा रहे हैं। जूही कहती है, मैं ठीक हूँ। संघ उससे फिर पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तो जूही गुस्सा हो जाती है, वह संघ पर चिल्लाने लगती है और कहती है, अगर तुम्हें और जरा सी गहरी घाव लगती तो तुम मर सकते थे। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से हील किया है और तुम ऐसी छोटी सी लापरवाही कैसे कर सकते हो, क्या तुम पागल हो गए हो। उस वक्त संघ मन में जूही को धन्यवाद कर रहा होता है, वह बी रैंक की हीलर है, उसी की वजह से संघ हर बार बच जाता है। जूही कहती है, क्या तुम्हें बुरा लगा। संघ हाँ कहता है। तब जूही कहती है, माफ़ी के बदले में तुम मुझे खाना खिला सकते हो। खैर इसके बाद वे लोग एक बड़े से दरवाजे के पास पहुँचते हैं। उन्हें लगता है कि यह बॉस का रूम है और ऐसी जगह इस दरवाजे का होना बहुत अजीब है। किम उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ता है। संघ उसे कहता है, तुम खाली हाथ उधर मत जाओ। सीन चेंज होता है, इसका नाम गो होता है और ये हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। यह बताता है, हम ऐसे कई लोग फ्यूचर में हंटर बनेंगे और कई नहीं बनेंगे, और इस दुनिया में 10 साल से भी पुराने एक डंजन है, पता नहीं वह कैसे आए और उनके अंदर क्या मिस्ट्री छिपे हैं। अगर तुम्हें वहाँ सर्वाइव करना है तो उनसे लड़ना होगा। डंजन का सीन दिखाया जाता है। वे लोग जैसे ही उस दरवाजे के अंदर घुसते हैं, वहाँ का सभी मसाल जल जाता है और अंदर में कई सारे बड़े बड़े स्टैचू होते हैं। सभी ने कुछ न कुछ पकड़ा होता है और उनमें से सबसे बड़ा स्टैचू ये होता है। एक व्यक्ति कहता है, कहाँ गए सभी मॉन्स्टर्स, यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहे हैं। वहीं सॉन्ग को एक मैजिकल सर्कल दिखता है। उधर दूसरी तरफ से कोई चिल्लाकर कहता है, सॉन्ग इधर आओ, यहाँ पर कुछ लिखा है। सॉन्ग उसे पढ़ने लगता है। तभी जूही संघ से कहती है, वह बड़ा स्टैचू हमारी तरफ देख रहा था। उस वक्त जूही पूरी डरी होती है। संघ उसे समझाता है, ये बस तुम्हारा भ्रम है। वहीं उस पर लिखा होता है कि जो इसे नहीं मानेगा वह यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। तब ये लेडी कहती है कि हम यहाँ पर फंस गए हैं। यह आदमी कहता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था। ऐसा हुआ क्योंकि तुम लोग इस डंजन को हल्के में ले रहे हो। और वह व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है और कहता है, तुम लोग ही सारा खजाना ले लेना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ही वह उस दरवाजे को खोलने के लिए टच करता है, वैसे ही हवा की रफ्तार से एक स्टैचू उसकी ओर तरफ आती है और उसका सर काट देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। वहीं संघ मन में कहता है, जो व्यक्ति अभी मारा गया उसका रैंक क्या था, वह डी रैंक का था, यानी कि वह मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर था और वह इस तरह मारा गया, मतलब यह डी रैंक डंजन नहीं है। फिर उसे रियलाइज होता है कि जूही ने सच ही कहा था। और संघ पीछे मुड़कर उस बड़े वाले स्टैचू को देखता है, वह स्टैचू उसकी तरफ देखता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। संघ बताता है,
उसके जीवन में बहुत सारे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आए हैं, और जब वह फर्स्ट अटेम्प्टेड मिशन के लिए गया था तब वह अपनी टीम से अलग हो गया था। यहाँ तक कि नहीं, उसके बाद उस पर ई रैंक वाला मॉन्स्टर ने हमला कर दिया जिससे कि वह पूरा घायल हो गया था और कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा। वहीं संग एक बार मेज में फंस गया था और भूख से मरने वाला था। एक लो रैंक डंजन भी उसके लिए खतरनाक है। इसके अलावा हंटर्स अपने कमाए हुए पैसों से और भी वेपन्स खरीदते हैं ताकि पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सके और ज़्यादा पैसा कमा सके। वहीं संग के पास एक छोटा सा चीप क्वालिटी का चाकू है, अगर वह डैमेज हो गया तो उसे मॉन्स्टर से खाली हाथ ही लड़ना पड़ेगा और उसके जूते भी फटे हुए हैं। सीन प्रेजेंट में आता है, संग कहता है सभी को झुक जाओ, तभी वह बड़ा वाला स्टैचू अपनी आंखों से सबको जला देता है। इसके बावजूद कुछ लोग वहां पर बच जाते हैं। तभी संग सोचता है ये सब ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, हम यहाँ पर फंस गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। संग पूरा घबराया होता है और वह कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ। यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।